आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे अहम खबरों पर। सीएम रेवंत रेड्डी ने महबूबाबाद और खम्मम के बारिश व सैलाब से मुतासर मंडलों का किया मुआयना। मुतासर होने वाले किसानों को फिल फोर 10,000 रुपये माली इमदाद का ऐलान। 42 सेंटीमीटर बारिश के बावजूद हुकूमत के राहतकारी इकदामात, अपोजिशन जमात की तनखीदें मुस्तरद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मीडिया ब्रीफिंग। हरीश राव की कार पर खम्मम में फतराव, बारिश से मुतासर इलाकों में जाने के दौरान वाकया। कांग्रेस कारकुनों पर हरीश राव ने फतराव का लगाया इल्ज़ाम। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में बारिश और सैलाब से मरने वालों की तदाद 19 हो गई। हुकूमत की जानिब से राहती इकदामात जारी। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों और अवामी फलाह व बहबूद के कामों में मसरूफ़। देखते हैं खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आला तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने ज़िले खम्मम के अलावा ज़िले महबूबाबाद के बारिश से मुतासरा इलाकों और खेतों फसलों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उनके हमराह रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी सी तक्का के अलावा दीगर अहदेदार मौजूद थे। उन्होंने बाज़ा मीडिया से गैर रस्मी बातचीत के दौरान बताया कि मुतासिर होने वाले किसानों को फिल फोर 10,000 रुपये इमदाद के तौर पर दिए जाएंगे। नाज़रीन इस अहम खबर के साथ दीगर खबरों पर नजर डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासती वज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, कोमट वेंकट रेड्डी, सीता कापी श्रीनिवास रेड्डी और दीगर के हमरा ज़िले महबूबाबाद का दौरा करते हुए वहां पर बारिश की वजह से होने वाली तबाही और बैरेज के इन्हदाम का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया और अहदेदारों को हिदायत दी कि वह फौरी तौर पर मरम्मती काम करने के इकदाम करें। वज़ीर आला ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए बताया कि कांग्रेस हुकूमत राहतकारी के काम तेज़ी के साथ रूब अमल ला रही है। आवाम में ज़रूरी अशिया की तकसीम अमल में लाने के अलावा जहां ज़्यादा तबाही आई है, रियासती हुकूमत वहां फौरी तौर पर 10,000 रुपये देने के इकदाम कर रही है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने ज़िले खम्मम में मीडिया के नुमाइंदों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए बताया कि मुल्क की आज़ादी के 75 साल में पहली मरतबा 42 सेंटीमीटर की बारिश रिकॉर्ड की गई है और हुकूमत की जानिब से मौसर इकदामात करने के बावजूद भी बीआरएस कायदीन बिलखसूस हरीश राव निचली सतह की सियासत करते हुए तामीरी तजावीज़ पेश करने की बजाय हुकूमत पर तनखीद करने में मसरूफ़ हैं। उन्होंने बताया कि रियासत मुसलसिल बारिश के बाद सैलाब का सामना कर रही है, इसलिए रियासती हुकूमत ने मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इसे फौरी कौमी आफात करार देते हुए रियासती को फौरी तौर पर फंड्स जारी करें, क्योंकि एक अंदाजे के मुताबिक 5,000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने
मोदेरा के कई मंडस और डबल बेडरूम मकानात कॉलोनी और किसानों के मुतासरा काश्त का मुआयना करने के बाद एग्रीकल्चर ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को हिदायत दी कि वो ज़मीनी सतह पर नुकसानात का जायज़ा लेते हुए फौरी तौर पर रिपोर्ट पेश करें और तमाम मंडस में अशिया ज़रूरिया की तकसीम अमल में लाने के इकदाम किए जाएँ। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने किसानों को तय खून दिया कि हुकूमत की जानिब से उनके नुकसानात का जायज़ा लेते हुए उनके नुकसानात की पाबजाई के लिए इकदामात किए जाएंगे। बीआरएस रुकन असम्बली हज शव की क़यादत में ज़िले खम्मम का दौरा करते हुए बीआरएस अराकीन असम्बली ने बारिश के बाद होने वाली तबाही का जायज़ा लेने के अलावा कई मुकामात पर आवाम से मुलाकात भी की और अशिया ज़रूरिया की किट्स तकसीम करते हुए उन्हें तयखुन दिया कि बीआरएस उनके नुकसान की पाबजाई के लिए वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी करेगी। हरीशराव ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए बताया कि हुकूमत राहतकारी के काम करने में नाकाम रहने से आवाम मुश्किलात से दोचार हैं। इस दौरे में सबीता इंदा रेड्डी, जगदीश रेड्डी, कौशिक रेड्डी, विवेकानंद गांधी के अलावा दीगर ने शिरकत की। सीनियर कांग्रेस कायद हनुमंत राव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आरएसएस जात की बुनियाद पर मर्दशुमारी की मुखालिफत करते हुए मुल्क के 90% आवाम को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने बताया कि बीजेपी आरएसएस फिरकावाराना मुनाफरत फैलाने और देवी देवताओं की सियासत करने में मसरूफ है, जबकि कांग्रेस आवाम के दिलों पर हुकूमत करने की खायल है। हनुमंत राव ने बीजेपी कायदीन से सवाल किया कि आरएसएस बीसी और एससी तबकात को नुकसान पहुंचाने का काम करने के बाद भी उनकी ताईद जारी रखेंगी। భూ సంస్కరణ చేసింది, 20-point ప్రోగ్రామ్ చేసింది, పేదల గురించి ఆలోచన చేసేది. అదేవిధంగా రాహుల్ రాజీవ్ గాంధీ గారు కూడా యువకులకు ముందుకు తీసుకోవాలి, 18 ఏళ్ల యువకులకే ఓటు హక్కు ఇచ్చాడు. అంతటితో ఆగలే. ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ 2 కోట్ల ఉద్యోగాలను ఇయ్యలే, 18 ఏళ్లలో 20 కోట్ల ఉద్యోగాలు ఇవ్వాలి. కానీ అదే రాహుల్ రాజీవ్ గాంధీ చెప్పకుండానే ప్రతి ఒక్కరికి ఇవాళ ఏది సాఫ్ట్వేర్ హార్డ్వేర్ తెచ్చి కొన్ని లక్షల మంది బతుకుతున్నారు. ఏదైనా ఆర్ఎస్ఎస్ నిజ స్వరూపం బయటపడ్డది. బీసీ మిత్రులారా, ఎస్సీ మిత్రులారా, మనం యుద్ధం మొదలు పెట్టాల్సిందే. ప్రతి రాష్ట్రంలో జరగాలి ఈ కులగణ. జరుగుతేనే మన సంఖ్యాబలం ఏదో తెలుస్తుంది. రాహుల్ గాంధీ గారు కూడా అంటారు 90% జనం ఉన్న జనానికి అన్యాయం జరుగుతుంది, 10% వాళ్ళే లాభ పడుతున్నారని చెప్పాడు. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఇవాళ రాహుల్ గాంధీ నాయకత్వాన్ని బలపరచాలి. ఇండియా కూటమి వ్యతిరేకంగా వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇండియా కూటమి అంతా कुल में तहाल मुस्लिमीन के अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों और डिवीजन्स में जारी तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह बहबूद के कामों में भी मसरूफ है। इस सिलसिले के तहत मजलिसी अराकीन असम्बली मोहम्मद मुबीन और कौसर मुहियुद्दीन ने GHMC कमिश्नर अम्रपाली IAS से मुलाकात करते हुए हालिया बारिश से हुई सूरत हाल पर उन्हें रिपोर्ट पेश की। इन अराकीन असम्बली ने GHMC कमिश्नर से अपील की कि बारिश से तबाह हुए रोड्स के अलावा इलेक्ट्रिक पोल्स और वाटर लाइंस के कामों को तरजीही तौर पर मुकम्मल किया जाए। इस मौके पर GHMC के दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। GHMC कमिश्नर ने तयकुन दिया कि वो दौरा करते हुए इस सारे मामले का जायज़ा लेंगी, उसके बाद हिदायतें जारी करेंगी। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन DCA की जानिब से तारनाका में वाक़ एक मेडिकल शॉप पर धावा करते हुए तारीख़ मुद्दत ख़त्म होने के बाद दवाओं की फरोख्तगी के एक रैकेट को बेनकाब किया गया।
डायरेक्टर जनरल डीसीए वीबी कमलासन रेड्डी आईपीएस के मुताबिक मस्कुरा मेडिकल शॉप से फिजिशियन सैंपल्स के अलावा एक्सपायर्ड ड्रग्स जुमला मालिया थी 55,000 रुपए जब्त किए गए। रियासती हुकूमत की जानिब से वखाराबाद में वाक़े अनंत गिरी हिल्स को सियाहती मकाम के तौर पर तरक्की दी जा रही है। सयाहों के मुताबिक अनंत गिरी तेलंगाना का ऊटी बन चुका है और पिछले 3 दिन की मुसलसल बारिश से यहाँ का सब्ज़ा खूबसूरत दिखाई दे रहा है और इस पहाड़ी के दरमियान एक चश्मा भी वाक़े है जहाँ आबशार मौजूद है और इस मौसम में आबशार और झरना इस मकाम की खूबसूरती में इजाफा कर रहा है। यही वजह है कि ये सियाहतों को अपनी जानिब राग़िब कर रहा है। पड़ोस रियासत आंध्र प्रदेश के कई इलाके भी बारिश और सैलाब से मुतासिर हुए हैं। इस दौरान हुकूमत की जानिब से तस्दीक की गई है कि 19 अफराद इस सैलाब की नज़र हुए हैं। आंध्र प्रदेश हुकूमत वज़ीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू की क़यादत में राहतकारी और बचाव काम में मसरूफ़ है। नाज़रीन इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे मोहम्मद अख्तर के साथ। बीआरएस लीडर्स ने इल्ज़ाम लगाया है कि खम्मम में पार्टी वफद के दौरे के दौरान कांग्रेस कारकुनों की तरफ से बीआरएस कारकुन संतोष रेड्डी पर हमला किया गया। इसके अलावा हरीश राव, टी अजय, सबिता रेड्डी के गाड़ियों पर भी हमले किए गए। बीआरएस लीडर्स ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत सैलाब से मुतासर लोगों की मदद करने में नाकाम साबित हुई है। बीआरएस पार्टी की लीडर्स ने खम्मम में सैलाब से मुतासर लोगों में गजाई अजनास तकसीम किए हैं। बीआरएस पार्टी के कारकुन और लीडर्स आज खम्मम में सैलाब के मुतासर इलाकों में देखे गए। सदर मंजिल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती में हल्के मलकपेट में ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए रुकन असम्बली अहमद बलाला हमातन गोश मसरूफ़ हैं। रुकन असम्बली ने गुड्डी बौली कम्युनिटी हॉल में 50 ख़वातीन में सिलाई मशीनें मुफ्त तकसीम की। ख़वातीन को रोज़गार से मरबूत करने के लिए उन्हें तरबियत भी दी जाती है और तरबियत मुकम्मल करने के बाद सिलाई मशीनें फराहम की जाती हैं। हल्के मलकपेट में अब तक हज़ारों ख़वातीन तरबियत मुकम्मल करके रोज़गार से मुंसलिक हो चुकी हैं। इस्तेफादा गुनगान ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला से इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर मुतल्लिका कॉरपोरेटर अब्दुल सलाम शाहिद के अलावा सरगर्म कारकुन नाजिमा और दीगर भी मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में सैलाब से मुतासर इलाकों में इमदादी और राहतकारी के कामों के लिए NDRF की स्पेशल टीमें पहुंच गई हैं। पूना से खसूसी फ्लाइट के जरिए 120 रुकनी अमला, 4 हेलीकॉप्टर्स, मोटर बोट्स और कश्तियों के साथ गनावरम एयरपोर्ट पर उतरा। सैलाब से मुतासर मुख्तलिफ इलाकों में इन टीमों को तैनात किया जा रहा है। आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा के मुख्तलिफ मकामात पर सैलाब से मुतासर इलाकों में गजाई पैकेट्स, पानी और दीगर अशिया की तकसीम का सिलसिला जारी है। NDRF और फिजाइया की तरफ से ये इमदाद तकसीम की जा रही है। इसके लिए हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
तेलुगु रियासतों में जारी या शदीद बारिश के बाद ज़खायर आब भी लबरेज हो गए और इन ज़खायर आब से पानी का अखराज जारी है। श्रीसलम डैम के 10 दरवाजे 20 फीट तक उठा दिए गए हैं। श्रीसलम में इनफ्लो 4,22,546 क्यूजिक बताया गया है, आउटफ्लो 4,59,046 रहा है। पानी के मुसलसल इनफ्लो की वजह से पानी को छोड़ा जा रहा है। नागार्जुना सागर में श्रीसलम का पानी जमा हो रहा है और यहाँ से भी पानी का अखराज जारी है। नागार्जुना सागर में आउटफ्लो 5,13,116 बताया गया है। पोलिचिंतला डैम से भी पानी छोड़ा गया है। प्रकाशम बैरेज से भी पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। तेलंगाना के निर्मल के करीब आखिर कदम जखीरे आब से भी 57,000 क्यूसिक पानी का अखराज अमल में लाया गया है। 3 दिनों से जारी बारिश के बाद जखीरे आब में मुसलसिल पानी का इनफ्लो देखा जा रहा है। तेलंगाना के महबूबाबाद में पानी के बहाव की वजह से ट्रेन की पटरियों को नुकसान हुआ था। टाडला और ओसापाली के दरमियान में पटरियों के नीचे का हिस्सा बह गया था। रेलवे हकाम की निगरानी में पटरियों की मरम्मत का काम जारी है। जंगी खतूत पर यह काम अंजाम दिया जा रहा है। साउथ सेंट्रल रेलवे की तरफ से कई ट्रेनों को मनसूख भी किया गया है। नलगुंडे के डंडी मंडल में सैलाब से पानी में फंसे हुए 10 अफराद को जिले पुलिस की तरफ से बचा लिया गया है। बताया गया कि ये लोग देवरकंडी नल्ला मल्ला के जंगलाती इलाके में फंस गए थे। पुलिस ने इन लोगों को बचा लिया है। तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र ने जिले पुलिस की इस कार्रवाई की सताइश की है। रियासत तेलंगाना में बारिश और सैलाब के दौरान पेश आए मुख्तलिफ वाकयात में 16 अफराद हलाक हुए हैं। 5,438 करोड़ रुपये का नुकसान बताया गया है। इमारत व शुरा को 2,362 करोड़, बरखी महकमे को 175 करोड़, फसलों का नुकसान 415 करोड़, आबपाशी प्रोजेक्ट्स को 629 करोड़, पंचायत राज को 170 करोड़, मेडिकल और हेल्थ को 12 करोड़, अफजाइश मवेशियों को 30 करोड़, बल्दी नज़्म व नस को 1,050 करोड़ और 500 करोड़ की अवामी इमलाक को नुकसान हुआ है। मुल्क में आज बुलडोज़र का इस्तेमाल घरों को तोड़ने और उजाड़ने में हो रहा है और इसमें एक तबके को निशाना बनाया जा रहा है। लेकिन तेलंगाना के खम्मम में एक बहादुर मुस्लिम नौजवान ने सैलाब के पानी से घिरे पुल पर फंसे हुए एक ही ख़ानदान के 9 लोगों की जान बचाई और उन लोगों के लिए एक पैगाम भी दिया है कि बुलडोज़र का इस्तेमाल इंसानियत के लिए भी किया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि हालिया बारिश और सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुआ है और मुख्तलिफ मुकामात पर पानी के जमा होने से लोग घरों में महसूर होकर रह गए हैं। एक नाम इन दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिन्होंने जुरातमंदी और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए 9 अफराद की जान बचाई और ये शख्सियत है सुभान खान। पानी में फंसे हुए एक ही ख़ानदान के 9 अफराद को बचाने के लिए सुभान खान ने अपनी जान की बाजी लगा दी। पानी का तेज़ बहाव था। सुभान खान JCB लेकर इस मुकाम तक पहुँचे, वहाँ पर ये लोग फंसे हुए थे। बताया गया है कि खम्मम के प्रकाश नगर पुलिस के मुताबिक ये लोग मोनेरो नदी पर प्रकाश नगर पुल के ऊपर फंस गए थे और उन्हें सोशल मीडिया पर वीडियो के ज़रिए उन्हें बचाने की अपील की जा रही थी।
सुभान ने अपने जाने से पहले ये कहा था कि अगर मैं गया तो मेरी एक जान जा सकती है, लेकिन अगर मैं इन लोगों को बचा पाया तो 9 लोगों की जान बचा पाऊंगा। ये हकीकी ज़िंदगी के हीरो हैं जो इंसानियत के लिए कभी भेदभाव नहीं करती और ऐसे ही लोगों को तारीख याद रखती है। आंध्र प्रदेश में बारिश और सैलाब से 19 हलाकतों की तस्दीक की गई है। 136 मवेशी मारे गए हैं। 1,72,542 हेक्टेयर पर धान की फसलों को नुकसान हुआ है। 41,927 अफराद को 106 रिलीफ कैंप्स में रखा गया है। कई देहातों का ज़िला हेडक्वार्टर से ताल्लुक मुनक़ता हो गया है। मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से मुतासरीन में इमदाद की तकसीम अमल में लाई जा रही है। हैदराबाद, साइबराबाद और अच्छाकुंडा कमिश्नरेट हदूद में वाक़ पुलिस स्टेशंस के इलाकों में वक्तन फवक्तन खसूसी नाकाबंदी करते हुए गाड़ियों की तनकी की जा रही है। इस सिलसिले के तहत बालापुर पुलिस स्टेशन के इलाके शाहीन नगर VIP स्कूल के करीब पुलिस की जानिब से तलाशी मुहिम चलाई गई। DCP महेश्वरम जोन Sunita रेड्डी, ACP महेश्वरम और SHO बालापुर के अलावा दीगर आला अहदेदार इस मौके पर मौजूद थे। हमारा कमिश्नर साहब राजकोंडा CP सुधीर बाबू सर आदेश के लिए, हमारा मैडम DCP महेश्वरम Sunita रेड्डी मैडम ऑर्डर्स के लिए आज बालापुर PS में शाहीन नगर में VIP इंटरनेशनल स्कूल अपोजिट नाकाबंदी चल रहा। ये नाकाबंदी मेन इंटेंशन ये कौन कौन चोरी व्हीकल्स यूज़ कर रहा और व्हीकल्स RC किसका पास नए और विदाउट हेलमेट वायलेशंस और माइनर ड्राइविंग ये पूरा चेकिंग चल रहा और ये इसमें 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स भी चेकिंग चल रहा और पब्लिक ऑल क्या रिक्वेस्ट पूरा डॉक्यूमेंट्स आपके पास व्हीकल में रखना पड़ता और विदाउट एनी सस्पिशियस पर्सन्स इधर घूमते भी इंफॉर्मेशन पुलिस को देने के रिक्वेस्ट कर रहा। नाकाबंदी अभी आज 3 बजे से 5 बजे तक चलता, अभी आधा घंटा बाकी है और नाकाबंदी में अभी 10 2 व्हीलर्स व्हीकल सीज हो गए अभी तक। अभी DCP ईजोन B बालास्वामी IPS ने बड़ी चौड़ी सुल्तान बाजार में वाक़ अविनाश कॉलेज में नेनू साइतम प्रोजेक्ट के तहत नस्ब किए गए CCTV कैमराज प्रोजेक्ट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर एडिशनल DCP जे नरसैया के अलावा कॉलेज प्रिंसिपल और दीगर अहदेदार भी मौजूद थे। इस प्रोजेक्ट के तहत जुमला 85 CCTV कैमराज नस्ब किए गए हैं। Bringing safety and security to the college and even normal public also. Further, I will request the management of the college that they are installing around 75 CCTV cameras inside the premises only, but only 10 cameras to the outside and public. So on this occasion, I request the management to install more CCTV cameras in CSR initiative to the useful of public because every CCTV camera is very important in the आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। CM रेवंत रेड्डी ने महबूबाबाद और खम्मम के बारिश व सैलाब से मुतासर मंडलों का किया मुआयना। मुतासर होने वाले किसानों को फिल फोर 10,000 रुपये माली इमदाद का ऐलान। बयालीस सेंटीमीटर बारिश के बावजूद हुकूमत के राहतकारी इकदाम, अपोजिशन जमात की तनकीदें मुस्तरद। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की मीडिया ब्रीफिंग।
हरीश राव की कार पर खम्मम में फतराव, बारिश से मुतासर इलाकों में जाने के दौरान वाकया, कांग्रेस कारकुनों पर हरीश राव ने फतराव का लगाया इल्जाम। पड़ोसी रियासत आंध्र प्रदेश में बारिश और सैलाब से मरने वालों की तादाद 19 हो गई, हुकूमत की जानिब से राहती इकदाम जारी। मजलिसी अराकीन असम्बली मुतालिका हलकों में तरक्याती कामों और आवामी फलाह बहबूद के कामों में मसरूफ। इसी के साथ रूबी उर्दू न्यूज़ यहीं अख्तिताम पज़ीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैन अल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलामु अलैकुम।